से गिरफ्तारी के बाद आज एटीएस की यूपी के कई शहरों में छापेमारी हो रही है। इस बीच जानकारी ये कि कानपुर से दो संदिग्धों को पकड़ा गया। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि अलग अलग शहरों से 6 और लोगों को भी पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी पुलिस ने बनारस, अयोध्या, काशी और मथुरा समेत कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट भी जारी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी में एटीएस की अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। कल ही दो आतंकी पकड़े गए थे, उसके बाद उनके साथियों की तलाश भी शुरू हो गई थी और ये जानकारी मिल रही है कि कुछ और लोगों को भी यहां पर गिरफ्तार किया गया। उनसे भी आगे की पूछताछ हो रही है कि किस तरीके की मंशा, किस तरीके की रणनीति ये बनाकर साजिश रच रहे थे। कई जगहों से 6 से ज्यादा लोगों को भी पकड़ा गया है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, कितने लोगों की कुल गिरफ्तारी हो पाई अभी तक? देखिए, बिल्कुल, एटीएफ ने कई शहरों में छापेमारी की है और कानपुर से दो संदिग्धों को उठाया है। बनारस के साथ साथ अयोध्या के आसपास संभल, जहां का ये सैयद अख्तर रहने वाला था जो पाकिस्तानी हैंडल अलूल मंदी, वहां पर छापेमारी की गई और आधा दर्जन से अधिक लोगों को एटीएफ ने उठाया, जिसमें दो संदिग्ध हैं कानपुर के, जो सीधे इन दोनों आतंकियों से जुड़े थे। इनकी बातचीत हो रही थी क्योंकि जो नक्शा बरामद हुआ उसमें कई बड़े शहरों के नक्शों की रेखी की थी, उनके जो मेन पॉइंट थे उसको उसमें दर्शाया गया है, क्योंकि वो कुछ कागजात जलाने की कोशिश कर रहे थे। तो लगातार एटीएस की छापेमारी चल रही है और सरकार के एसीएस होम ने सुबह ही कहा था कि हमारे पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि ये दोनों के दोनों सबसे खतरनाक संगठन, आतंकी संगठन अलकायदा के आतंकवादी हैं और इनके जो तार हैं वो विदेशों से जुड़े हैं। ये सऊदी अरब में गए, इन्होंने क्या किया, क्योंकि अलकायदा का सबसे बड़ा ठिकाना किसी जमाने में जो है वो सऊदी अरब था, क्योंकि खुद ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब का ही भगोड़ा अरबपति था। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एटीएस लगातार जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा जो देश की एजेंसियां हैं, एनआईए हैं या दूसरी एजेंसियां, उनसे भी उत्तर प्रदेश की एटीएफ लगातार बात कर रही है, सरकार बात कर रही है। मुख्यमंत्री ने खुद रिव्यू बैठक की और कहा कि और भी हथियार और संसाधन एटीएस को उपलब्ध कराए जाए ऐसे ऑपरेशन के लिए। तो ये मानकर चलिए अर्पिता, अभी और बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि अभी 6 लोगों को हिरासत में लिया एटीएफ ने, 2 संदिग्धों को लिया है कानपुर से। इसके साथ ही जो 2 आतंकवादी पकड़े गए उनके परिवार के लोगों को एटीएफ मुख्यालय पर पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि यूपी एटीएस उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार छापेमारी कर रही है, आधा दर्जन लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक और अलकायदा के नेक्सस को तलाशा जा रहा है। तो लगातार छापेमारी का दौर ये जारी है। काशी, अयोध्या, मथुरा समेत कई शहरों में अलर्ट कर दिया गया है, आने जाने वाले लोगों की चेकिंग बढ़ा दी गई है। जो भारत नेपाल बॉर्डर है वहां पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। अर्पिता रही जरा अजीत आप साथ। देखिए, कल ही एटीएस की टीम ने लखनऊ के काकोरी से 2